नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। मैं हूं अनिल खत्री। आज हम पहुंचे हैं शाइनिंग स्टार कोचिंग सेंटर गोहाना के अंदर और यहां पर हमारे साथ कुछ ऐसी छात्राएं हैं जो राइटिंग हैंडराइटिंग जो है वो एक समान लिखती हैं और इन्होंने जींद के अंदर जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में जो है रिकॉर्ड हासिल किया है। तो आइए आज इन्हीं से जानते हैं कि एक जैसी हैंडराइटिंग ये कैसे लिखती हैं और किस तरह से इन्हें किस तरह इन्होंने वहाँ जींद के अंदर जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है 303 छात्राओं ने एक साथ एक समान हैंडराइटिंग लिख के जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना जो है गोल्डन बुक में अपना नाम दर्ज कराया। आज इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? सर राखी। राखी, तो किस तरह से वहाँ पर जो आप जींद के अंदर गए 303 छात्राओं ने जो है एक समान हैंडराइटिंग किस तरह से वहाँ पे लिखा? सर सबने एक तरह से हैंडराइटिंग लिखी। जैसे हमारे जो सर हैं जिस इंस्टीट्यूट पे हम पढ़ते हैं शाइनिंग स्टार नर्सिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पे श्री ओम प्रकाश सिवाच सर हैं जो 2 घंटे की वर्कशॉप देते हैं हैंडराइटिंग की और विद इन 2 आवर्स ही राइटिंग चेंज हो जाती है। पहले बोलते थे कि राइटिंग गॉड गिफ्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हैंडराइटिंग एक गॉड गिफ्ट नहीं है, हम 2 घंटे में ही इसको चेंज कर सकते हैं। और हमने भी अलग अलग सरकारी स्कूलों में जाकर सर के साथ वर्कशॉप दी और उन बच्चों को भी ट्रेंड किया। और 11 नवंबर को जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है उसमें 300 बच्चों ने सिर्फ एक जैसी हैंडराइटिंग लिखी है। तो ये कैसे संभव है कि सभी एक जैसी हैंडराइटिंग लिख सकते हैं? सर ये पॉसिबल है, ये कोई गॉड गिफ्ट नहीं है। ये 2 घंटे की वर्कशॉप जो सर हमें देते हैं उसके थ्रू हम एक जैसी हैंडराइटिंग लिख सकते हैं, सेम हैंडराइटिंग। और उससे पहले आप कैसे लिखते थे? सर उससे पहले मेरी बहुत ख़राब हैंडराइटिंग थी, लेकिन जब से सर ने वर्कशॉप दी है उसके बाद मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो गई है। मतलब समझ में भी आते, बिल्कुल एक यूनिक है। मतलब इसका मेन मकसद था कि हमें जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ रिफॉर्म करना था। जैसे कि हर स्कूलों में अब हर चीज़ के एक्सपर्ट लगते हैं, वैसे ही हैंडराइटिंग का भी एक्सपर्ट लगने चाहिए स्कूलों में, ताकि जिससे बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी हो। आपका क्या नाम है? शबनम सर। अब तक कितने स्कूलों में आप जा चुके हैं और कितने छात्राओं को या जितने भी आप स्कूलों में गए हैं तो अब तक कितने बच्चों की हैंडराइटिंग आपने सुधार किया? सर हम स्कूलों में 20-25 स्कूलों में जा चुके हैं और वहाँ पर जाकर बहुत सारे बच्चों की हैंडराइटिंग विद इन टू आवर्स में चेंज कर दी हमने। तो क्या आप सभी सरकारी स्कूलों में जाते हैं या प्राइवेट स्कूलों में भी जाते हैं? ज़्यादातर तो हम सरकारी स्कूलों में जाते हैं सर। जी, आपका क्या नाम है? काजल। आपको भी ये कैसे लगा, मतलब किस तरह का आप एहसास कर रहे हैं? आपकी जो हैंडराइटिंग है वो पहले कैसी थी और अब कैसी है? सर पहले मेरी हैंडराइटिंग बहुत बुरी थी, लेकिन सर ने जब 2 घंटे की वर्कशॉप दी उसके बाद मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो गई है, जो कि अच्छे से समझ में भी आती है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है सर, हमें बहुत अच्छा लगा। आपका क्या नाम है? सर अंजू। जी, तो आपकी हैंडराइटिंग पहले कैसी थी? सर मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी थी पहले, लेकिन सर ने करवा दिया ठीक। अब तो अब कैसा महसूस करते हैं आप? सर अच्छे वाला। तो क्या मानते हैं आगे जो है किस तरह से आप जो है अब आपकी जो हैंडराइटिंग है वो इतनी अच्छी हुई है तो आगे आपका क्या वो उद्देश्य रहेगा, किस तरह से आप दूसरे जो स्टूडेंट हैं उनकी हैंडराइटिंग को लेकर किस तरह उनको भी आप आगे अच्छा कर पाएंगे? जैसे सर हम बता दें कि हम सब नर्सिंग स्टूडेंट हैं, जैसे कि सबको पता है कि अब जो सरकारी स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूलों में नर्स भी लगने लगी हैं, तो हम आगे यही उम्मीद करते हैं कि सरकारी स्कूलों में साथ के साथ नर्स भी हो, उनको एक हेल्थ जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो भी हो, उनको एजुकेशन्स में भी हम हैंडराइटिंग के थ्रू हम उनको वर्कशॉप दें ताकि उनकी भी हैंडराइटिंग अच्छी हो और एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हो। तो क्या आप अब जब गांव में गए हैं सरकारी स्कूलों में आप गए हैं या आप लोगों ने जो भी सेमिनार लगाए हैं उसमें सरकार की तरफ से भी कुछ आप लोगों को सहयोग मिला या फिर अपने तरफ से ही आप ये सेमिनार लगाते हैं, किस तरह से आपने ये सेमिनार अब तक लगाए? सर सरकार की तरफ से तो कुछ ज़्यादा सहयोग नहीं मिला, लेकिन सर ही हैं जो सर अपने पैसे से और कुछ हम जो हमारा पॉकेट अलाउंस है वो डेली सेव करके हम जाते हैं स्कूलों में और सेमिनार लेते हैं। अब आगे अगर और कोई स्टूडेंट जो है अपनी हैंडराइटिंग को सुधारना चाहता है तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो सुधार सकता है? आप लोग उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं या आपके जो सिवाच सर हैं वो ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्या इस तरह का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आप उन लोगों को उपलब्ध करवाएंगे? हाँ सर ज़रूर, क्योंकि एजुकेशन हमें हैंडराइटिंग इसलिए इम्प्रूवमेंट की है ताकि हर एक बच्चा अच्छा लिख सके, सुंदर लिख सके, इसीलिए। तो सर भी हैं जो अलग अलग स्कूलों में जाके गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रोवाइड करते हैं ये चीज़ हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट के ऊपर। तो आपसे अगर कोई मिलता है, कोई स्टूडेंट है या फिर सर से मिलता है तो आप उन्हें वो ट्रेनिंग देंगे? जी सर बिल्कुल। आप लिख के दिखाएंगे किस तरह से आप लिखते हैं? जी सर।
बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये जो चारों स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एक बार मैं कहूँगा कि कैमरे को जो है नज़दीक से दिखाएं, ये चारों एक जैसी हैंडराइटिंग लिख रहे हैं। तो पहले जैसे कहते थे कि हैंडराइटिंग जो है वो गॉड गिफ्टेड है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो शिवाज सर हैं या ये बच्चे हैं, इन्होंने इतने अब तक जो जितने भी स्टूडेंटों को इन्होंने ट्रेनिंग दी है, वो भी इस तरह की ही हैंडराइटिंग लिखते हैं। और 303 बच्चों ने एक समान हैंडराइटिंग लिख के जो है जिंद के अंदर भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इन्होंने वहाँ पर बनाया है। तो सबसे पहले तो मैं हमारे इधर हरियाणा उत्सव की टीम का पहुंचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सर, हमारा जो साइनिंग स्टार नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो 2009 से में स्टार्ट किया था। यहां पे हमारे इधर जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, डी फार्मेसी के हम कोर्स करा रहे हैं। हमारा जो रिजल्ट है वो जी हर साल 100% रहा है। हमारे गोहाना में जितने भी सराउंडिंग के अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं वहाँ पे हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, जाके अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। हमारा इधर का हर साल का रिजल्ट है वो 100% रहा है। और यहाँ से कोर्स करने के बाद हमारे इधर से करीबन ये लगाओ 50 बच्चे तो हमारे गवर्नमेंट पीजीआई में एम्स तक भी सिलेक्ट हो चुके हैं जी। सर, क्या मानते हैं जो किस तरह का आपके स्कूल का जो रिजल्ट रहा है वो 100% रहा है? बिल्कुल 100% रहा है सर। और इसमें क्या है, हम सबसे मेन तो जो जैसे हम हमारे इधर नर्सिंग के कोर्सेज हैं उनकी हम सर उन बच्चों के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। सबसे पहले तो राइटिंग का, उसके बाद हमने अच्छी लैब तैयार कर रखी है मेडिकल की, अच्छा स्टाफ रखते हैं और बच्चों के ऊपर हर बच्चे का हम वीकली टेस्ट लेते हैं जी, उन बच्चों को, जिससे वो निखर के बाहर आ जाते हैं। और हमारे इधर अच्छे अच्छे डॉक्टरों की हम सेवाएं लेते रहते हैं, डॉक्टरों के संपर्क में रहते हैं। अब जी अच्छे से अच्छे हमारे इधर से कोर्स करके बच्चे बाहर निकल सकें, हमारा भी नाम हो, उनके बच्चों के माता पिता का भी नाम हो और हमारे इंस्टीट्यूट का भी नाम हो। जी, बहुत अच्छी आप फैसिलिटी यहाँ पर बच्चों को दे रहे हैं, बहुत अच्छी फैकल्टी आप दे रहे हैं। तो इन फ्यूचर क्या आप बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इन फ्यूचर के लिए? क्या स्कोप आप इसमें देखते हैं? हम इसमें जो नर्सिंग के जो कोर्सेज हैं इसका जो स्कोप है वो बहुत बड़े लेवल पर है। हर ये लगाओ जैसे आने वाले अभी जो जनरेशन नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, लगभग बीमार पैदा हो रहे हैं, हमारे साथ भी ऐसा ही है। हमारे माता पिता बुजुर्ग हैं, वो भी दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इनका फ्यूचर तो बहुत है अनिल जी, बहुत फ्यूचर है ये आने वाले टाइम में। मैं तो ये मानता हूँ हमारे से भी ज़्यादा हमारे बच्चे तरक्की करेंगे।